अंग्रेजों का गुलाम रहा। कोई भी बात ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। हर चीज पर अंग्रेजों का पहला हक होता था। हम अपने खेत में पैदा किया हुआ अनाज भी अपनी मर्जी से खा नहीं सकते थे। बढ़िया अनाज पर अंग्रेजों का पहला हक होता था। ना मानने पर भारतवासियों पर कोड़े बरसाए जाते थे। भारतवासियों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। हम अपने ही घर में गुलाम रहकर रहते थे। तब जाकर आजादी के मतवालों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, अंग्रेजों से मार खाई पर पीछे नहीं हटे। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तांते टोपे, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार उधम सिंह और ऐसे कई भारत के सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आखिर एक दिन आया कि अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। उस दिन भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन उस वक्त हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान बना और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार भारत में आई। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस घोषित हुआ। आज हम अपनी मर्जी की सरकार बनाते हैं। जो काम अच्छा नहीं करता है उसे दोबारा मौका नहीं देते। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों ही एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। ये गणतंत्रता भी हमें स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही मिली है। इसलिए आज का दिन हम उन महान हस्तियों को नहीं बुला सकते। आज हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये दिन अपने जीवन के मूल्य से खरीदा है। और नमन करते हैं हम आज भारतीय सेना के जवानों को जो हमारे देश की रक्षा में बॉर्डर पर चट्टान बनकर खड़े हैं। और नमन करता हूं सेना के जवानों के माता पिता को, उनकी पत्नियों को और बच्चों को जिन्होंने अपने परिवार के अनमोल रतन को देश की सेवा में लगाया है। हम सब भारतवासी ऐसे परिवारों के ऋणी रहेंगे। मैं आप सब बच्चों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और शुक्रगुजार हूं सोनला हाई स्कूल के हेडमास्टर और स्टाफ का मुझे इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ कुछ नारे लगाएंगे। मैं बोलूंगा आजाद भारत, आप बोलना जिंदाबाद। आजाद भारत, आजाद भारत, आजाद भारत, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, स्वतंत्रता सेनानी अमर है, स्वतंत्रता सेनानी अमर है, स्वतंत्रता सेनानी अमर है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं
बैठ जाओ। कुछ आपको हमारे जहां चेयरमैन साहब कुछ उन्होंने बातें बताई आपके डेवलपमेंट के लिए, हमारे सोंटला के नायब सरपंच तालब जी ने भी कुछ बोला और हेड मास्टर साहब ने भी कुछ बताया। मैं आपको बताता हूं, पहली बात है स्कूल का स्टाफ कुछ बोल रहे थे, वो स्कूल की ऑपरेशन मतलब अभी हाई स्कूल आपका और जहां स्टाफ भी पूरा नहीं है उसके लिए भी कोशिश करेंगे। जैसे जी बोल रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इधर खाली पड़ी है, फोर्थ क्लास की भी है वो भी नहीं है, वो जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम एक दिन इधर अपनी पंचायत में जो हमारे पब्लिक के रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं और हमें जिन्होंने कुछ देना है आपके स्कूल के लिए आपके गांव के लिए, उन सभी डिपार्टमेंट को हम इधर बुला रहे हैं और फिर उनसे सारी स्कीमें जो हैं हमारी पंचायत को जो मिल सकता है वो हम लोगों के बीच शेयर करेंगे। और बाउंड्री वॉल के लिए कहा तो मैं हेडमास्टर साहब को पूछना चाहता हूं कि पहले तो इस चीज का पता होना चाहिए कि ये स्कूल की जगह कितनी है और क्या ये स्कूल के नाम पे है। अगर है तो सबसे पहले ये जो पेड़ हैं इनकी एक्शन होनी चाहिए और फिर ग्राउंड की लेवलिंग, उसके बाद बाउंड्री बाल। तो अगर इनके कागज हों तो ये बताएंगे वे कितनी लैंड है, उस हिसाब से मैं जहाँ के जो जेई हैं उनसे एस्टिमेट करवाऊंगा इसका और जल्द ही आपकी बाउंड्री बाल भी बन जाएगी। और दूसरा रहा रोड की कनेक्टिविटी, तो ये शायद कल हम बैठे थे इधर पंचायत घर, तो ये रोड जो जहां से आपके स्कूल से जे आगे नॉन चेन्नई नॉन जो क्यार को के साथ टच होता है वो हमने कल ही इस रोड को रख दिया है प्लान में और ये जल्दी ही ये रोड क्यार के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। जो क्यार वाले लोग हैं वो इसी रोड से आएंगे साथ में, बालपुर से घूम के नहीं आना पड़ेगा। और ये जो पंचायत घर फरूगा ये आपका हाई स्कूल तक, इसके लिए जब इलेक्शन अभी आई नहीं थी तो हमने इसका देखा था, एमएलए साहब को गए उनसे रिक्वेस्ट की कि इसके लिए कुछ पैसा दो ताकि रोड की थोड़ी बहुत मरम्मत हो जाए और गाड़ी चल पड़े। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए 5 लाख रुपया हमारे पास आ चुका है और जल्द ही विद इन 1 वीक में इसका काम लगा रहे हैं हम पंचायत घर टू फरुआ। और इसके साथ साथ ही मर्ड़ मल्ला अथमिया मल्ला सॉरी अथमिया मल्ला उसके लिए भी जो बोली से ऊपर रोड जाती है उसके लिए भी 2 लाख रुपया हमारे पास इस वक्त पड़ा है, उसका भी 5-7 दिन में काम लगा देंगे। ये जो दो काम है इसके कल ही हमने रेजोल्यूशन भी डाल दिया है और जिसने ये काम करवाना है उसको जमावारी भी दे दी है। तो ये आपको अंबिका माता से जहां आने के लिए अच्छा हो जाएगा और गाड़ी भी आएगी बड़े आराम से। बाकी और जो छोटा मोटा काम जो है पंचायत में वो तो धीरे धीरे चलेंगे,
तो करेंगे भी। आपकी पानी की कुछ दिक्कत बताई इन्होंने, तो वो भी जल्द से जल्द वो भी आपकी सॉल्व की जाएगी। पानी आएगा, अच्छा पानी आएगा, रोज आएगा। और लाइट का जो जहां है उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, एडब्ल्यू साहब को भी बोलेंगे और लाइट का भी आपका करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सिपाही साहब। तो ये थे आपके सामने न्यू इलेक्टेड सरपंच साहब श्री रमन खजूरिया जी, जिन्होंने आपके सामने रिपब्लिक डे के ऊपर जो अपने विचार रखे और जो अपनी पंचायत के जो कामों का जो ब्यौरा आपको दिया है वो उन्होंने ये हमारे सामने ये हल्फ लिया है कि मैं जल्द से जल्द जो है पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सब आपके जो मतलब डिमांडे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी होंगी। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा अपना कीमती समय हमारे बीच आप बैठे, अपना कीमती समय हमें दिया। तो अभी आपके सामने फर्स्ट सेकंड और थर्ड आइटम अनाउंस की जाएगी, उसके बाद कुछ बच्चों